गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के इस सीरीज में हु का प्रयोग सीखेंगे। WHO हु का प्रयोग सीखेंगे। हु एक इंट्रोगेटिव वर्ड्स है जिसका उपयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, ठीक वैसा ही हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए हु को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही अनोखा एक इंट्रोगेटिव वर्ड है सभी इंट्रोगेटिव वर्ड में। अतः इस वर्ड को अच्छा समझिए, जानिए और प्रतिदिन इसका उपयोग कीजिए, तभी आपका ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश बढ़िया हो पाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी अंग्रेजी की तैयारी तथा अन्य विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं हु का प्रयोग कैसे किया जाता है आम भाषा में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हु का अर्थ क्या होता है। हु का अर्थ होता है कौन या किसने, कौन या किसने। याद कर ले, हु का मतलब होता है कौन या किसने, ठीक है। चलिए तो इसका एग्जाम्पल के द्वारा अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो। जैसे हु देखिए सब्जेक्ट की तरह आया है और हु के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ड आर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर बाद में अदर वर्ड के रूप में यू का प्रयोग हुआ है, ठीक है। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। यहाँ आर जो है यू के लिए आया, ठीक है। नेक्स्ट है हु आर दे, वे कौन है। 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 नेक्स्ट है हु इज ही, यहाँ इज किसके लिए आया, ही के लिए। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है, वह कौन है। हु इज ही। नेक्स्ट है हु केम, हु केम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अनुसार बनाया गया। हु केम, कौन आया। हु केम, ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या होता है, वी टू का प्रयोग होता है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वही केम का प्रयोग किया गया है। हु केम, कौन आया। हु केम, कौन आया। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, हु डिड कम, कौन आया। हु डिड कम, यहां केम न लगाकर आप डिड कम लगा सकते हैं, ठीक है। डिड कम यहां लगा सकते हैं, कौन आया। अगला है हु वेंट, कौन गया। हु वेंट, कौन गया। इसको भी आप बना सकते हैं हु डिड गो, कौन गया। हु डिड गो कह सकते हैं, पास्ट इनडेफिनिट टेंस के अनुसार इसको ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट है हु सूटेड, हु सूटेड, कौन चिल्लाया। हु सूटेड, कौन चिल्लाया। हु सूटेड, कौन चिल्लाया। हु सूटेड, कौन चिल्लाया। नेक्स्ट है हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। ऐसे ही आप बहुत सारा ट्रांसलेशन खुद से बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। आप ऐसे ही कह सकते हैं हु इज ईटिंग, कौन खा रहा है। हु इज कॉलिंग मी, कौन मुझे बुला रहा है। हु इज डांसिंग, कौन नाच रहा है। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज इनसाइड, अंदर कौन है। हु इज इनसाइड, अंदर कौन है। हु इज इनसाइड, अंदर कौन है। जैसे मानते आप बाहर हो, किसी घर के बाहर हो और किसी रूम के अंदर कोई व्यक्ति है, तो आप बाहर से कह सकते हैं हु इज इनसाइड, अंदर कौन है। हु इज इनसाइड, तो अंदर कोई होगा तो बोल सकता है आई एम इनसाइड, मैं अंदर हूं। हु नोज, कौन जानता है। हु नो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुसार बनाया गया है। हु नोज, कौन जानता है, या कौन जाने या किसे पता। हु नोज, कौन जानता है, कौन जाने या किसे पता। हु नोज, कौन जानता है। हु नोज, किसे पता। हु नोज, कौन जाने। नेक्स्ट है हु न्यू, कौन जाने या किसे पता। हु न्यू, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अनुसार बनाया गया, कौन जाने या किसे पता। हु न्यू, कौन जाने या किसे पता। नेक्स्ट है हु स्लेप्ट, कौन सोया। हु स्लेप्ट, कौन सोया। हु स्लेप्ट या हु डिड स्लीप, कौन सोया। हु स्लेप्ट, कौन सोया, ठीक है। नेक्स्ट है
हु विल हेल्प कौन मदद करेगा, हु विल हेल्प कौन मदद करेगा, हु विल हेल्प कौन मदद करेगा। आप अच्छा से बनाए, हु विल हेल्प कौन मदद करेगा। नेक्स्ट है हु इज गोइंग कौन जा रहा है, 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 हु इज गोइंग। नेक्स्ट है हु कैन डू इट, यह कौन कर सकता है, हु कैन डू इट यह कौन कर सकता है, हु कैन डू इट यह कौन कर सकता है, हु कैन डू इट यह कौन कर सकता है, हु कैन डू इट। नेक्स्ट है हु कैन डू दैट, वह कौन कर सकता है, चाहे वो कौन कर सकता है, वो कौन कर सकता है, हु कैन डू दैट, हु कैन डू दैट वो कौन कर सकता है, हु कैन डू दैट वो कौन कर सकता है, हु कैन डू दैट। नेक्स्ट है हु इज गोइंग विद दर्ड, हु इज गोइंग विद दर्ड, हु इज गोइंग, हु इज गोइंग विद हर, कौन उसके साथ जा रहा है, हु इज गोइंग विद हर कौन उसके साथ जा रहा है, हु इज गोइंग विद हर उसके साथ कौन जा रहा है, हु इज गोइंग विद हर। नेक्स्ट है हु इज कमिंग विद अस, हु इज कमिंग विद अस हमारे साथ कौन आ रहा है, हु इज कमिंग विद अस हमारे साथ कौन आ रहा है, हु इज कमिंग विद अस हमारे साथ कौन आ रहा है, हु इज कमिंग विद अस हमारे साथ कौन आ रहा है। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं, यहाँ ऑस को आप चेंज करके दूसरा वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं। हु इज कमिंग विद यू तुम्हारे साथ कौन आ रहा है, हु इज कमिंग विद यू तुम्हारे साथ कौन आ रहा है। यहाँ ऑस को हटाकर यू को हटाकर नाम भी रख सकते हैं, हु इज कमिंग विद योर मदर तुम्हारे माँ के साथ कौन आ रहा है, हु इज कमिंग विद योर फ्रेंड तुम्हारे मित्र के साथ कौन आ सकता आ रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु हेल्प यू, यह फास्ट इंडेफिनिट सर वी टू का प्रयोग किया गया है। हु हेल्प यू किसने आपकी मदद की, 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 पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आंसर बनाया गया हु हेल्प यू किसने आपकी मदद की। नेक्स्ट है हु हिट यू, हिट माने मारना होता है या चोट पहुंचाना होता है, हु हिट यू किसने आपको टक्कर मारी या किसने आपको मारी, हु हिट यू, हु हिट यू किसने आपको मारी। जैसे आप देखते हो हिट का प्रयोग वैसे भी करते हैं, हिट मी हिट मी मुझे मारो मुझे मारो, हिट देम उन्हें मारो, तो हिट माने क्या होता है मारना, ठीक है। हु हिट यू किसने आपको टक्कर मारी, हु हिट यू किसने आपको टक्कर मारी या किसने आपको मारी, हु हिट यू। नेक्स्ट है हु इज कमिंग विद मी, हु इज कमिंग विद मी मेरे साथ कौन आ रहा है, हु इज कमिंग विद मी मेरे साथ कौन आ रहा है, हु इज कमिंग विद मी मेरे साथ कौन आ रहा है, हु इज कमिंग विद यू आपके साथ कौन आ रहा है, हु इज कमिंग विद मोहन मोहन के साथ कौन आ रहा है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है हु कॉल्ड मी, हु कॉल्ड मी कौन मुझे पुकारा या किसने मुझे बुलाया, हु कॉल्ड मी मुझे किसने बुलाया, हु कॉल्ड मी मुझे किसने बुलाया। आप इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा हु कॉल्ड मी मुझे किसने बुलाया, या कहेंगे हु कॉल्ड मी किसने मुझे बुलाया, तो मुझे पहले कहें या बाद कहें कोई बात नहीं, हु कॉल्ड मी किसने मुझे बुलाया, किसने मुझे बुलाया। नेक्स्ट है हु हेल्प्स मी, हु हेल्प्स मी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आंसर बनाया गया, हेल्प मेज जोड़ा गया। हु हेल्प्स मी कौन मेरी मदद करता है, हु हेल्प्स मी कौन मेरी मदद करता है, हु हेल्प्स मी कौन मेरी मदद करता है, हु हेल्प्स मी कौन मेरी मदद करता है। हु इज इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट कौन बुद्धिमान है या बुद्धिमान कौन है, हु इज इंटेलिजेंट बुद्धिमान कौन है या कौन बुद्धिमान है, हु इज इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट कौन बुद्धिमान है, हु इज इंटेलिजेंट। हु इज ब्यूटीफुल कौन सुंदर है, हु इज ब्यूटीफुल कौन सुंदर है, हु इज ब्यूटीफुल कौन सुंदर है, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज ब्यूटीफुल कौन सुंदर है, हु इज ब्यूटीफुल कौन सुंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज स्मार्ट, स्मार्ट कौन है या कौन स्मार्ट है, हु इज स्मार्ट, हु इज स्मार्ट कौन स्मार्ट है, हु इज स्मार्ट, स्मार्ट कौन है, हु इज स्मार्ट, तो कहिए आई एम स्मार्ट मैं स्मार्ट हूं, प्रज्ञा इज स्मार्ट, प्रज्ञा स्मार्ट है, माय थॉट इज स्मार्ट मेरा सोच स्मार्ट है। तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और खूब इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आज हम लोग यहीं पे अपना वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद,
जय भारत।